राजा वीरभद्र सिंह व पूर्व मंत्री जीएस बाली की अभी मुलाकात हुई है, और हर बार कहा जाता है कि दोनों में काफी दूरियां हैं, राजनीतिक दूरियां हैं, तो उन्हीं से जान लेते हैं आज हालचाल पूछने के लिए। सर, आप आज बाली जी के पास आए हैं, किस तरह देखते हैं? नहीं, क्यों, यही हमारे प्राण मित्र है और हमारी मित्रता आज की नहीं है, पचास कई साल हो कई गए। 50 साल से मैं इनको जानता हूँ। जब नौजवान थे, छोटे से थे और स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में, ही रिजन बाई हिज ओन एफर्ट्स। और मुझे जब मालूम हुआ कि इनकी सेहत ठीक नहीं है, तो मेरा प्रेफर समझा कि मैं इनसे आके मिलूं और इनकी सेहत के बारे में पूछूं और ईश्वर से दुआ करूं कि ये जल्दी जल्दी सेहतयाब हों। सर, किस तरह देखते हैं, आमे खास में यही चर्चा रहती है कि आपकी और बाली जी की जो है हमेशा। जो जो ऐसी बातें करते हैं वो चेमगोइयां हैं, ये कोई रियलिटी नहीं है। मैंने कल ही आपको कहा था इस बारे में कि राय साहब के साथ मेरी फैमिली है, इट्स लाइक ए वन फैमिली। तो कल कहा था इन चीज़ों को, मैंने फिर कहा था कि भाई पत्रकार और ये लोग ज़्यादा ना खुदे रहे, है ना, कि भाई हमारी जो मित्रता और फैमिली रिलेशन है। और देखो राय साहब, कल भी मैंने कहा था, ये द सीनियर मोस्ट लीडर, और सबको इज्जत और सम्मान करके चलना चाहिए, आशीर्वाद लेके चलना चाहिए, और सबको इकट्ठे होकर के इस बारे में सोचना चाहिए कि भैया एक जो जिन्होंने सींचा है, सब कुछ चलाया है, उनके साथ इकट्ठे होकर के हम लोग कैसे, मतलब इनको भी स्थानांतरण करें, पार्टी को भी स्थानांतरण तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो हैं एक साथ एक मंच करें। पर बैठे हैं, और यहाँ पर ये साबित हो चुका है कि मतलब जो दूरियां हैं मात्र अखबारों या जो जनता के बीच ही चर्चाओं का विषय है, लेकिन आपसी तालमेल जो है हमेशा से रहा है और पारिवारिक रिश्ता जो है इनका पहले से है और मजबूत जो है इसे देखा जा सकता है।